सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो ऐसे कितने लोग देख रहे हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करते हैं और उसके साथ कोई भी पेस्ट उपयोग कर लेते हैं, और अगर आप भी इनमें से ही एक हैं तो ये वीडियो देखने के बाद निश्चित ही आप बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद और हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें हमारी उंगलियों से और क्षारीय चीज़ों से मंजन करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुख का स्वभाव अम्लीय रहता है। इसी तरह जब हम भोजन कर लेते हैं तो कुछ देर तक हमारे मुख का स्वभाव अम्लीय बना रहता है, और आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों से बना कोई भी मंजन इस अम्लीय गुण को शांत करने में बहुत सहायक होता है। इसी कारण आयुर्वेद के मंजन का उपयोग करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा तरोताजगी और रिफ्रेशमेंट महसूस होता है, जबकि आजकल के अधिकतर पेस्ट में केवल कुछ अधिक मात्रा में मिंट होती है, जिसके कारण हमारे मुँह में हमें बस ठंडा ठंडा फील होता है। नेचुरल इन्ग्रेडियंट्स इन पेस्ट से मिसिंग होते हैं। इसके साथ ही उंगलियों से मंजन करने पर हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जीभ से हमारा ब्रेन और पूरा पाचन तंत्र जुड़ा रहता है, और हमारी उंगलियों में पूरे तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करने के पॉइंट छुपे रहते हैं, और इस बात को हमारे शास्त्र बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, और इसीलिए आयुर्वेद और हमारे शास्त्र उंगलियों से मंजन करने को विशेष महत्व देते आ रहे हैं, ताकि सुबह उठते ही एक बार हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। देखिए, अगर किसी संस्कृति से या व्यक्ति विशेष समुदाय से आप व्यापारिक लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके मौलिक सिद्धांतों को, उनकी संस्कृति को, उनकी पुरातन शैली को आपको उनकी नज़र में ही गलत साबित करना होगा। और पिछले कुछ वर्षों में कॉरपोरेट्स ने टीवी पर एड्स दिखा दिखा कर सबसे पहले हमारे मंजन के तरीकों को और हमारे मंजन को हमारी ही नज़रों में गलत साबित किया। मतलब आपने पहले टीवी के एड देखे होंगे जिसमें उन्होंने चारकोल को ख़राब बताया, नमक, सेंधा नमक को ख़राब बताया, नीम को ख़राब बताया, और तमाम जड़ी बूटियों को हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया, और अब उन्हीं पदार्थों को हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद बताकर और उनको खुद के पेस्ट में ऐड करके उन्हीं सस्ती चीज़ों को हमें महंगे दामों में बेच रहे हैं। और अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत हमारे उठने के साथ ही हमारे पहले कर्म को बिगाड़ कर शुरू की। इस प्रक्रिया को इन्होंने इतने फुल प्रूफ तरीके से किया कि पूरे मीडिया में इन्होंने हमारे इस संस्कृति का दुष्प्रचार किया, कि हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि हमारी पुरानी संस्कृति बहुत ख़राब है। सबसे पहले इन्होंने मीडिया के माध्यम से इतने एड दिखाए, और उन एड्स में हमारे कोयले, हमारे नीम, हमारे सेंधा नमक और हमारे आयुर्वेदिक मंजन को इतना ख़राब बता दिया कि हम लोगों ने इनसे मंजन करना ही छोड़ दिया। देखिए, हम आयुर्वेद शास्त्रों की बात करें या हमारी संस्कृति की बात करें, दोनों में ही प्राकृतिक पदार्थों से मंजन करने की सलाह दी जाती है। और ऐसा शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील और सबसे जल्दी प्रक्रिया करने वाला जो अंग है वो मुख है। आपके मुख में किसी भी प्रकार का पदार्थ जाते ही आपकी एकदम से फीलिंग्स चेंज हो जाती है। मतलब आप मीठा खाते हैं तो आपको अलग फीलिंग होगी, चरखा खाते हैं तो एकदम से अलग फीलिंग होती है। मतलब आपकी सोचने की, समझने की और आपकी शारीरिक प्रक्रियाएँ बदल जाती है। इसी के लिए शास्त्रों में सबसे पहले एकदम ऐसे पदार्थों से मंजन कराया जाता था जिससे आपका शरीर एकदम एक्टिव हो जाए, स्फूर्ति आ जाए। अब इनकी जगह आर्टिफिशियल मंजनों ने ले लिए, नेचुरल मंजन पूरी तरह से अवॉइड कर दिए गए हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी को अटैक आता है या बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो जुबान के नीचे सार्बिट्रेट जैसी गोलियों को रखा जाता है, और कुछ ही सेकंड में ये गोलियाँ असर शुरू करती है और हार्ट को एकदम नॉर्मल कर देती है, और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में भी पेशेंट बचता है। अब देखिए, मॉडर्न साइंस भी ये मानता है और ये प्रूफ हो चुका है कि जवान के नीचे रखा कोई भी पदार्थ विद इन ए सेकेंड हमारे हार्ट तक असर करता है। तो अब आप सोचिए कि ये पेस्ट, जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम मोनोसल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट मिला होता है, ये आपके शरीर पर कितना दुष्प्रभाव करेंगे। दोस्तों, आप अभी जाकर अपने पेस्ट को चेक करिए और देखिए इन केमिकल में से आपके पेस्ट में कौन सा केमिकल है, और गूगल करिए कि इन केमिकल से कौन कौन सी बीमारियां होती है। देखिए, इन केमिकल्स की बहुत छोटी सी मात्रा भी अगर हमारे शरीर में चले जाए तो हमारे प्राण ले सकती है, और हमारे घरों में तो बच्चे भी पेस्ट खा लेते हैं और माता पिता इस बात को ध्यान भी नहीं दे पाते, तो ये सोचने के लिए एक बहुत गंभीर विषय है। और देखिए, इसी के विपरीत आयुर्वेदिक मंजन 100% नेचुरल होते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। मॉडर्न साइंस के अनुसार बहुत हद तक कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ये केमिकल जिम्मेदार बताए गए हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप किसी भी आयुर्वेदिक मंजन से दांत साफ कर लो, अगर आपको आयुर्वेदिक मंजन पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप अपने किचन में से कोई मसाला ले लो,
आप सेंधा नमक ले लो, आप सरसों का तेल ले लो, आप हल्दी ले लो, आप जीरे का पाउडर ले लो, अगर आप इनसे भी मंजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ अगर आप गाँव में रहते हैं तो आप किसी भी पेड़ की दातुन ले सकते हैं। आप बबूल की दातुन ले लो, करंज की ले लो, नीम की ले लो, आम की ले लो। इन चीज़ों का उपयोग करने से आपका न केवल हार्ट अच्छा रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता आएगी, आप खुश रहेंगे, आपकी फीलिंग अचानक से चेंज होने लगेगी। आप इन चीज़ों का उपयोग करना शुरू करो और जब आप इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फीलिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपके दांत साफ रहेंगे, आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ेगी, आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, आपको पायरिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके दांत लंबे समय तक आपका साथ देंगे और इसके साथ न जाने कितने जाने अनजाने आप अपने रोगों को ठीक करेंगे। अब देखिए, इतना बताने के बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि इतना जहर तो खा रहे हैं तो अब एक पेस्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, बड़े परिणाम छोटे परिवर्तनों से ही आते हैं और इन्हीं छोटे छोटे परिवर्तनों से हम कॉर्पोरेट्स के शिकार होते जा रहे हैं। इसी के साथ हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा कहने का केवल ये उद्देश्य है कि आप लोग पुनः अपनी उंगलियों से मंजन करने की और प्राकृतिक चीज़ों से बने मंजनों को पुनः अपनाने की कोशिश करें और ब्रश और पेस्ट जैसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। आप ये परिवर्तन अपने जीवन में लाकर देखें, आप ज़रूर पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। देखिए, आयुर्वेदिक मंजन करने और उंगली से मंजन करने के मैं कुछ आपको फ़ायदे बताता हूँ। शायद इन फ़ायदों को सुनकर आप एक बार अपने जीवन में कुछ दिनों के लिए इस परिवर्तन को ज़रूर लेकर आएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार इस परिवर्तन को करते हैं तो आप हमेशा उंगलियों से ही मंजन करेंगे। दोस्तों, उंगलियों से मंजन करने का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आप आसानी से किसी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। इसी के साथ आपकी मेमोरी बढ़ती है, आप ग्रहणशील होने लगते हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में स्थापित करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होती है। इसी के साथ आपका जीवा तंत्र पूरी तरह से एक्टिव बना रहता है, आपका आमाशय, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप आर्टिफिशियल केमिकल से बचते हैं और अपनी पुरातन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का पूरा फायदा ले पाते हैं। इसके साथ ही जब आपके मुंह में और आपकी उंगलियों में एक्यूप्रेशर होता है तो आपको अनगिनत फायदे और अनगिनत परिवर्तन को अपने शरीर में दिखाई देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन फायदों को जानने के बाद एक बार आप अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लेकर आएंगे। तो उम्मीद है आप अपने पेस्ट को बदलकर स्वास्थ्य लाभ जरूर लेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हमेशा आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।